नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है आरजेडी खेमे से। देखिए, तेजस्वी यादव ने अचानक बड़ी बैठक बुला ली है। देखिए, जगदानंद सिंह के साथ साथ राजद के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। मगर सबसे अहम बात, देखिए, तेजस्वी यादव ने यह बैठक जो बुलाई है, कई विधायकों का फोन बजा है, फोन की घंटी बजी है। देखिए, हम उन विधायकों का नाम भी आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी बैठक अचानक तेजस्वी यादव ने 5 देशरत्न मार्ग में बुलाई है। शाम 5 बजे यह बैठक होनी है। इस बैठक में जगदानंद सिंह मौजूद रहेंगे। इस बैठक में पार्टी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू मौजूद रहेंगे। देखिए, इस बैठक में प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव मौजूद रहेंगे। देखिए, ये बैठक जो बुलाई गई है, बहुत ही अहम बैठक है। तेजस्वी यादव, देखिए, लगातार एक्शन में है और लगातार तमाम गतिविधियों पर पार्टी कितना मजबूत, तमाम आंकड़ों पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने शाम 5 बजे बड़ी बैठक बुलाई है। देखिए, बैठक में कौन कौन शामिल होंगे, किन विधायकों को बुलाया गया है ख़ास तौर पर, देखिए, वह भी हम बताएंगे। कुल अगर हम बताएं आपको, तो कुल लगभग जो है वो 6 विधायकों को बुलाया गया है इस बैठक में, और इन विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। जिन विधायकों को बुलाया गया है, उन विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। साथ ही साथ देखिए, कई जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया है और उन जिला अध्यक्षों को बड़ा टास्क दिया जाएगा। देखिए, लगातार समीक्षा बैठक चल रही थी और अब समीक्षा बैठक के बाद दौर एक्शन का है। दौर उन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिलने का है जो लगातार सक्रिय थे, और अब अचानक तेजस्वी यादव आज शाम 5 बजे बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि देखिए, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव होने वाला है। गोपी किशन उम्मीदवार बनाए गए हैं। गोपी किशन को जीत दिलाने के लिए भी यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बैठक में किन नेताओं को बुलाया गया है और मुख्य तौर पर किन विधायकों का फ़ोन बजा है, वह भी हम आपको बताने जा रहे हैं। हम आपको नाम बताने जा रहे हैं किन विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। यह बैठक बहुत खास है, बहुत अहम है। देखिए, इस बैठक को लेकर के लगातार जगदानंद सिंह रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे थे और अब आज का दिन मुकर्रर किया गया है। शाम 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। आज बड़ी बैठक होनी है। ऐसे में शाम 5 बजे तेजस्वी यादव विधायकों के साथ, जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। फाइल खुलेगा, जगदानंद सिंह फाइल खोलेंगे। समीक्षा बैठक में जो आंकड़े हैं, वह भी उस बैठक में बताए जाएंगे, कितना किस जिला में पार्टी मजबूत हुआ। मगर सबसे अहम बात, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र जो चुनाव हो रहा है, उसको लेकर भी खास है। देखिए, मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष को बुलाया गया है, शिवहर के जिला अध्यक्ष को बुलाया गया है, सीतामढ़ी के भी जिला अध्यक्ष को बुलाया गया है, हाजीपुर के भी जिला अध्यक्ष को बुलाया गया है। और आपको बता दें किन विधायकों का फ़ोन बजा है, हम नाम भी आपको बताते हैं। देखिए, निरंजन राय जो गायघाट से राजद विधायक हैं, उन्हें बुलाया गया है। अमर पासवान, देखिए, बोछा सुरक्षित सीट से विधायक हैं, उन्हें भी बुलाया गया है। संजय कुमार गुप्ता जो कि बेलचंड से विधायक हैं, मुकेश कुमार यादव जो बाजपट्टी से विधायक हैं, उन्हें बुलाया गया है। बीना सिंह जो महनार से विधायिका हैं, उन्हें बुलाया गया है। मुकेश रोशन जो महुआ से विधायक हैं, उन्हें बुलाया गया है। साथ ही साथ देखिए, शक्ति सिंह यादव जो कि तेजस्वी यादव के बेहद ही करीबी हैं, वह भी इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। जगदानंद सिंह इस बैठक में शामिल ही नहीं होंगे, बल्कि तमाम नेताओं का रिपोर्ट कार्ड भी तेजस्वी यादव को दिखाएंगे। सभी विधायक जिन्हें बुलाया गया है, उनके भी रिपोर्ट कार्ड खोले जाएंगे। वहीं बड़ा टास्क, बड़ी जिम्मेदारी भी
विधायकों को मिलने जा रही है, जिला अध्यक्षों को मिलने जा रही है। देखिए तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जो चुनाव हो रहा है, गोपी किशन उम्मीदवार बनाए गए हैं। मुख्य तौर पर गोपी किशन को भी बुलाहटा आया है। आज गोपी किशन जो कि उम्मीदवार हैं तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के, वह भी तेजस्वी यादव की इस बैठक में बुलाए गए हैं और कहीं ना कहीं रणनीति भी तैयार की जानी है। और यह बैठक कई मायनों में बहुत ही अहम है, बहुत ही खास है। और यही कारण है कि देखिए बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। जेडीयू ने अभिषेक झा को चुनावी मैदान में उतारा है, गोपी किशन राजद के टिकट पर उम्मीदवार हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जिन विधायकों को, जिन जिला अध्यक्षों को बुलाहटा है, बुलाया गया है, उन्हें कौन सी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, सौंपी जाती है। मगर सबसे अहम बात कि यह जो बैठक है वह इस मायने में भी अहम है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव और समीक्षा बैठक के बाद जो आंकड़ों पर बात हो रही है। देखिए 3 सितंबर तक तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जो वोटर्स हैं, उन्हें तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपने पाले में लाने के लिए देखिए लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, और संख्या जो है वो अपने साथ लाने के लिए उन लोगों को जोड़ रहे हैं। ऐसे में देखिए आंकड़ों पर भी बात होगी, और आंकड़ों पर बात करने के लिए तेजस्वी यादव ने बड़ी बैठक बुला ली है। आज शाम ठीक 5 बजे 5 दशरथन मार्ग में यह बैठक होगी, और इस बैठक में राजद के वरिष्ठ नेता के साथ साथ विधायक और जिला अध्यक्षों को बुलाहटा है, और उन तमाम नेताओं के बीच तेजस्वी यादव जहां एक तरफ तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर के समीक्षा करेंगे, वहीं दूसरे तरफ कई विधायक और जिला अध्यक्षों को टास्क मिलेगा, वहीं बड़ी जिम्मेदारी भी मिलने की बात निकलकर सामने आ रही है। अब देखने वाली बात यह है कि तेजस्वी यादव जब आज शाम बैठक करेंगे तो फैसला क्या लिया जाएगा, निर्णय क्या लिए जाएंगे। मगर बुलाहटा है, तमाम वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया है आज शाम ठीक 5 बजे। पल पल की तस्वीरें लगातार हम अपडेट करते रहेंगे, मगर अब राजनीति गर्मा गई है, राजनीतिक पारा बिहार में हाई है, और उन तमाम तस्वीरों पर तेजस्वी यादव की नज़रें टिकी है। तेजस्वी यादव संगठन को मजबूत करने के लिए दिन रात एक मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से लेकर जिला अध्यक्ष से लेकर विधायकों से लेकर सांसदों तक तेजस्वी यादव का फ़ोन जा रहा है, लगातार बातचीत चल रही है, और तेजस्वी यादव लगातार बातचीत कर रहे हैं संगठन मजबूत करने को लेकर। तेजस्वी यादव एक्टिव हैं, आज शाम 5 बजे जो बैठक होगा, निर्णय क्या होता है वह भी हम सबसे पहले अपडेट करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।